नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में एक तरफ जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वहीं बिहार में पर्दे के पीछे भी बहुत सारी राजनीति हो रही है। मुकेश सहनी किस तरफ जाएंगे, चिराग पासवान एनडीए में क्यों नहीं आ रहे हैं और पशुपति पारस का क्या होगा, ये कुछ सवाल हैं जिन पर लगातार बिहार की जनता और राजनीतिक रूप से जो लोग अवेयर हैं वो मंथन कर रहे हैं। लेकिन इसमें से एक सवाल का हल आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। पशुपति पारस किस तरफ जाएंगे, पशुपति पारस का भविष्य क्या होगा, चिराग पासवान क्या एनडीए में वापस आएंगे, इन सब को लेकर मैंने कल पंचनामा में बहुत सारे सवालों का जवाब दिया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जैसे ही ये खबर चली कि एनडीए में वापसी के लिए चिराग पासवान तैयार हैं, कुछ शर्तें हैं उनकी, उन शर्तों को मानने के बाद ही भाजपा के वो इस तरफ आएंगे। अब उन शर्तों पर रजामंदी का एक कहा जा सकता है नॉड या फिर हामी भाजपा की तरफ से आ गई है। चिराग पासवान की पार्टी अपनी पूरी तैयारी में है वापसी के, घर वापसी के एनडीए में, और उसके लिए जो शर्तें उन्होंने रखी हैं उन शर्तों पर भाजपा भी अग्री हो गई है। भाजपा का बिहार में एक बहुत बड़ा मीटिंग कहा जा सकता है हुआ है, नेतृत्व जो है दिल्ली का उसने बिहार के लोगों को असाइनमेंट दे दिया है आगे किस तरीके से काम करना है। इसको लेकर संजय जायसवाल ने अपने जो बिहार के मंत्री और नेतागण हैं उनसे बातचीत भी की है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये हुई है कि चिराग पासवान को लेकर, उनकी एंट्री को लेकर रास्ता सुदृढ़ कर दिया गया है। लेकिन जो शर्तें चिराग पासवान ने रखी थी उसमें एक महत्वपूर्ण शर्त ये थी कि चचा पारस का परमानेंट उपहार कर देना। तो आपको ये पता होना चाहिए था जिस वक्त एनडीए गठबंधन टूटा था, नीतीश कुमार अलग हुए थे और महागठबंधन का निर्माण किया था, उस वक्त सात दलों का गठबंधन बना है उधर, और ये सारे जो एलाइज हैं इसमें एक मांझी जी को छोड़ दिया है, तो सभी पहले से ही तेजस्वी यादव के साथ थे। ऐसे में नीतीश कुमार चाहते थे कि वो भी अपने लिए कुछ एलाइज लेकर आए, उन्हीं में से एक मांझी जी हैं और दूसरी तरफ पशुपति पारस का नाम लिखा हुआ था। लेकिन पशुपति पारस चूंकि केंद्र में मंत्री हैं इसलिए वो इस तरफ आने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसी स्थिति में खबर ये भी आई कि उनकी पार्टी के सांसदों को जदयू तोड़ सकती है। जदयू द्वारा सांसदों को टूट को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और ये साबित करने की कोशिश की कि नहीं, सांसद कहीं जा नहीं रहे, सभी साथ रहेंगे। लेकिन सब के बावजूद एक बात स्पष्ट हो गया कि पशुपति पारस का अब ज़्यादा दिन एनडीए में रहना संभव नहीं है। इसको लेकर खबर ये भी आई कि नीतीश कुमार से उनकी बातचीत भी हुई थी, जो मंत्रालय उन्हें मिला था केंद्र में वो भी नीतीश कुमार द्वारा दबाव डालने पर भाजपा ने उन्हें दिया था। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान की एंट्री एनडीए में कहीं ना कहीं नीतीश जो पशुपति पारस है उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। और अब जब ये तय हो गया है कि चिराग पासवान वापस आ रहे हैं एनडीए में तो पशुपति पारस का पत्ता कटना लगभग तय है। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि पशुपति पारस जाएंगे किस तरह। तो एक ऑप्शन तो उनके लिए फिलहाल है कि वो महागठबंधन जा सकते हैं, लेकिन महागठबंधन में जाने के साथ वो सांसदों का क्या होगा जो इनकी पार्टी से फिलहाल जीत कर आए हुए हैं और जो अपने लिए लगातार रास्ता खोज रहे हैं। तो खबर ये है कि फिलहाल पशुपति पारस के लिए उस तरफ भी कोई ऑप्शन खुला हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में पशुपति पारस थोड़ा बीच में फंस गए हैं। क्या होगा आगे चल के, क्या रणनीतियां बनती हैं, किस आधार पर वो गठबंधन बनाते हैं नया, या एनडीए गठबंधन में ही मन मार कर रह जाते हैं, ये सब कुछ देखना होगा। अगर चिराग पासवान एनडीए में वापस आते हैं तो कई लोगों का जो कद है वो काफ़ी कम होगा, छटेगा। उसमें उन सांसदों का भी नाम है जिन्होंने चिराग पासवान के साथ गद्दारी की थी और चचा का भी नाम है जिन्होंने पार्टी को अपने पाले में करने की कोशिश की थी। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।